आज हमारे घर आए हैं राहुल साहू सर, जो कि एक शिक्षक भी हैं और प्रकृति प्रेमी भी है। तो ये मुझे गुटी बांधना सिखा रहे हैं कि पेड़ों पर गुटी बांधकर किस तरह से नया पौधा तैयार किया जाता है। तो इन्होंने एक पॉलीथीन में खाद और मिट्टी को मिलाकर रखकर इस तरह से चीरा लगा दिया है, और अब ये जहाँ पर गुटी बांधना है वहाँ पर इन्होंने कट करके इस तरह से मिट्टी लगा रहे हैं। और मिट्टी लगाने के बाद हमें अगली प्रक्रिया बताएंगे कि इससे किस तरह से पौधा तैयार किया जाता है। इसमें कुछ मुझे भी सहयोग करना पड़ेगा। ये अब हम लोग अंजीर के पौधे में लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि दूध वाले पौधे और इनमें जड़ें सरलता से निकल आती हैं। सफ़ेद पॉलीथीन लेते हैं तो उसमें हमारे को जड़ें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, फिर हम थोड़े पास से उसको काट करके कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसकी नमी कम होती जाए तो इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे अपन मॉइस्चर वाली जब अच्छी खाद वाली मिट्टी लेते हैं, मॉस ग्रास ले सकते हैं इसमें, कोकोपीट ले सकते हैं जी, उसमें स्वाभाविक तौर पर नमी लंबे समय तक बनी रहती है जी। जी, क्या इसकी कटिंग अगर अपन काट के सीधे लगाएं तो ये भी लग के तैयार हो जाती है? कुछ पौधों की लग जाती है, यदि हम नमी युक्त मिट्टी अच्छी लेते हैं और थोड़े समय सेमी धूप में रख सकते हैं तो इससे बरगद अंजीर ऐसे दूध वाले पौधों की शाखाएँ भी पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। इसमें शाखा का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी, जहाँ से शाखा की आँख निकलना जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, वहाँ से जड़ें जल्दी से प्रस्फुटित होती हैं जी। यदि वहाँ पर हम नमी युक्त मिट्टी लगा करके सामान्य तौर पर रख दें तो पौधे के पोषण से वो और जल्दी पौधा नया तैयार हो जाता है। इस तरह से मिट्टी लगानी होती है जी, ताकि उसमें उस पौधों की शाखाएं आइट साइड फैल सकें। थोड़ी सी मिट्टी दो देते हैं। ये सर को कई वर्षों का अनुभव है, इनके पास बोनसाई पौधे भी मिलते हैं और ये बोनसाई पौधे भी तैयार करते हैं। मैं सेमी बोनसाई पौधे तैयार करता हूँ जिसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है। 5-7 साल तक पौधे को जड़ें काट करके गमले में ही तैयार करते रहते हैं जी, क्योंकि बोनसाई में मेहनत बहुत पौधा मांगता है और समय के अभाव में इतना नहीं कर पाते हैं। जब पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेता है जड़ें काट करके ऊपर से उसको सेट करके बगैर वायरिंग के बोनसाई का लुक दे सकते हैं हम लोग, ताकि पूरे पौधे का उसमें बोनसाई पौधे का आभास मिलता रहता है। इसमें अगर गोबर की खाद का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ताकि पौधा जल्दी जड़ें निकाल देता है उसमें से। आपने ये अभी बताया इसमें तो क्या पानी कितने दिन में देना रहेगा अगर ये मान लो सूखती है तो? वैसे भी 6-7 दिन में पानी स्प्रे कर सकते हैं हम पानी का, ताकि और जड़ें नमी पर्याप्त रहती है, पौधों से पोषण उसको ऑलरेडी मिलता ही रहता है जी, तो और जल्दी जड़ें प्रस्फुटित हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर एक दूसरी कटिंग लगा के हम सीधे उसको पौधों को शिफ्ट करेंगे, देखते हैं ये कितने दिन में तैयार हो जाती है।
इस तरह से छील देंगे तो जड़ का फुटाव जल्दी हो जाएगा। एलोए वेरा है अपने पास में? हाँ है ना। एक पत्ता ले आओ। अब हम यहाँ से लेंगे थोड़ी सी एलोवेरा। इसे एलोवेरा लगाने से क्या बेनिफिट होता है? एलोवेरा से इसकी जड़ों का प्रस्फुटन बहुत तेज़ी से होता है। हाँ, एलोवेरा अपने आप में एक अच्छा मॉइस्चराइज और प्रोटीन विटामिन देते हैं। हाँ, जड़ों को निकलने में बहुत सहूलियत हो जाती है। इसको हम इस तरह से दबा करके और अच्छे से दबा देंगे इसको। सामान्य धूप वाले स्थान पर हम उनको इसके एलोवेरा के साथ साथ हम दालचीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दालचीनी पाउडर भी बहुत अच्छा उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह हमारा प्रकृति को रिटर्न में। हाँ, कि एक पौधे से 100 पौधे तैयार हो जाते हैं। हम अपने गांव में महालक्ष्मी मंदिर के ऊपर भी एक अच्छा ट्रस्ट के सहयोग से बगीचा विकसित किया है मैंने माता पिता की स्मृति में। जी, तो वहाँ पर ज़्यादातर पौधों को गमलों में तैयार करके हाँ और फिर जमीन में लगाया। हाँ, तो उनकी ग्रोथ भी जल्दी हुई और जमीन थोड़ी बंजर थी। हाँ, पर सभी पौधे आज बड़े बड़े विशाल पेड़ों का आकार ले चुके हैं। और मंदिर के साथ साथ प्रकृति का भी सहयोग कर रहे, सुंदरता बढ़ा रहे। जी, मेरा आप सभी से यही है कि किसी का भी पौधा हो, लेकिन हमें तो प्रकृति के लिए सभी पौधों की रक्षा करनी चाहिए, लोगों को सहयोग करना चाहिए। ये 15 दिन पहले लगाई थी, पन्नी बांधी थी तो इसमें से नहीं ब्रांचेस आ गई है। अब यहाँ से कुछ जड़ें भी निकल आई थी तो यहाँ से नया पौधा अपना लेंगे। ये हमारी कुछ बड़ी शाखा आ गई है। ये हमने निकाल लिया एक बड़ी शाखा। अब इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे।
पौधा तैयार कर लिया, अब इसको हम एक सेफ्टी से कहीं पर रख देते हैं। पौधा तैयार किया तो आप हमें बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्लांटेशन गुरु को सब्सक्राइब कीजिए।